आज की इस निशुल्क ई क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। मनोविज्ञान की ये क्लास है और इसमें शुरुआत कर रहे हैं मैं एक सबसे शानदार टॉपिक मनोविज्ञान के अधिगम की, लर्निंग की। पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे ई क्लास के माध्यम से और आज का जो बिंदु है अपना वो प्रारंभिक बिंदु है। और कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत जो होती है वो मूल रूप से अधिगम से होती है। अधिगम आपको समझ में आ जाएगा, बाकी टॉपिक अपने आप आपको समझ में आएंगे। और हर एक बिंदु को समझने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो टॉपिक है क्या। कोई भी टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले जरूरी जानना ये होता है कि पर्सन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है। जब तक आपके एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आएगा आप उस एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। मनोविज्ञान से किसी भी लेवल का एग्जाम हो, मनोविज्ञान को जितना बनाया गया है, बताया गया है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सही तरीके से यदि क्लासरूम में इसको समझा जाए तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। बस आपको ये समझना है कि पर्सन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। जैसे आज हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मनोविज्ञान को वो आता है लर्निंग अधिगम। ये सबसे बेस्ट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है आपको। अब ये टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। डिटेल से पढ़ने से पहला बिंदु अपने सामने आता है कि अधिगम वास्तव में क्या है, इसके अर्थ को समझना है। इसके अर्थ के ऊपर अभी तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन तीनों प्रश्नों का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आराम से आपके समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। ये अपनी जगह सही है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, एग्जाम में प्रश्न आ गया उत्तर सही है। अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन ये भी सही है और अधिगम व्यवहार में वांछित, अपेक्षित और स्थायी परिवर्तन ये भी सही है। लेकिन जब तीनों ऑप्शन आपके सामने आ जाएं अधिगम क्या है तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिगम व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन है। समझ में आया कुछ? वांछित का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते उसने चाकू हाथ में लिया और जैसे ही चाकू उसने हाथ में लिया चाकू से उसका हाथ कट जाता है। जैसे ही चाकू से उस बच्चे का हाथ कटा बच्चे ने उस चाकू को फेंक दिया। जैसे ही बच्चे ने चाकू को फेंका, ये चाकू को फेंक देना उसके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आ गया? वांछित परिवर्तन आ गया। यदि वो बच्चा उस चाकू को नहीं फेंकता, उस चाकू को दोबारा उठा लेता, इसका मतलब उसने नहीं सीखा कि ये चाकू गलत है, मैं दोबारा हाथ में लूँगा मेरा हाथ कट जाएगा। तो अधिगम का तात्पर्य क्या है? व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन और साथ में आपको क्या याद रखना है? स्थायी परिवर्तन। सीखते जब हम हैं वो हमेशा के लिए क्या होता है? स्थायी होता है। कई एग्जाम्स में प्रश्न आता है व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है, लेकिन विस्तृत अर्थ में आपको याद रखना है अधिगम व्यवहार में होने वाला वांछित परिवर्तन है जो क्या होता है? स्थायी। आज एक छोटे से बिंदु की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहला बिंदु आपके साथ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अधिगम के सोपान। कोई भी बिंदु को हम पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पर्सन कहाँ से आ रहे हैं। जैसे मैंने अधिगम शब्द की व्याख्या की और शब्द की व्याख्या के साथ 3 प्रश्न एग्जाम में आ गए, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि अधिगम वास्तव में है क्या और सही उत्तर क्या होगा। व्यवहार में वांछित और अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम। अब हम बात कर रहे हैं अधिगम के सोपान की। सबसे पहला बिंदु है और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है अधिगम के सोपान। स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? अधिगम के सोपान होते हैं 8, ठीक है। कोई भी बिंदु को आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे जीके की बात कर लें, चाहे सब्जेक्ट की बात कर लें, जब भी आप पढ़ें उस टॉपिक के बारे में आपकी एक इमेज बननी चाहिए आपके दिमाग में कि वास्तव में यहाँ से पर्सन कैसे आते हैं। अधिगम के सोपान हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना है। जितने भी 10 साल में मनोविज्ञान के पेपर हुए उनको आप देखेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी कि अधिगम के सोपान पे लगभग अब तक 6 या 7 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 6-7 प्रश्नों का पैटर्न क्या रहा है? यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा अधिगम प्रारंभ किससे होता है। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, मतलब आपके ये समझ में आना चाहिए कि पहला ये है, दूसरा ये है, पांचवा ये है, सातवां ये, आठवां है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस बिंदु में से, अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा अधिगम के सोपानों में से कौन सा संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, 6 से 7 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। उन 3 टाइप के आधार पर इस बिंदु को आपको तैयार करना है। सबसे पहला सोपान जब अधिगम का आता है वो कौन सा आता है? आवश्यकता।
आवश्यकता। नीड, अधिगम सीखना कब प्रारंभ होता है? जब आपके अंदर क्या उत्पन्न हो? आवश्यकता। आप यहां क्यों आए? आवश्यकता है। जब तक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। पहला प्रश्न आपसे ही पूछेगा अधिगम प्रारंभ होता है? अधिगम प्रारंभ होता है आवश्यकता से। विदाउट नीड्स लर्निंग कभी भी प्रारंभ नहीं होगा। आवश्यकता उत्पन्न होगी तब हम कोई कार्य करने के लिए सीखने के लिए प्रेरित होंगे। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है अधिगम का प्रारंभ किससे होगा? आवश्यकता। मान लीजिए एग्जाम आप देने जा रहे हैं, वहां आवश्यकता आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। मनोविज्ञान में कभी भी एक उत्तर सही नहीं होता, आपको विकल्प देखने पड़ते हैं कि मान लीजिए ऑप्शन में आवश्यकता है ही नहीं, तब क्या करना है? अधिगम का प्रारंभ किससे होगा? आवश्यकता नहीं हो तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरक। और मान लीजिए प्रेरक भी ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। तीन ऑप्शन में एक साथ बता रहा हूं, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। जब हम सेकंड टॉपिक मोटिवेशन पढ़ेंगे वहां तीनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन यहां तीनों बिंदु क्या है? एक अर्थ में है। अधिगम का प्रारंभ होता है आवश्यकता, आवश्यकता ना होने पे प्रेरक मोटिव करना है, और प्रेरक भी ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तर दिमाग में क्या रखना है? अभिप्रेरणा। अधिगम का प्रारंभ किससे होगा? आवश्यकता से होगा। विदाउट आवश्यकता, बिना मोटिव और बिना मोटिवेशन के अधिगम सीखना प्रारंभ नहीं हो सकता। आप घर से यहां चल के आ गए, आपको लाने वाला कौन है? आवश्यकता है, प्रेरक है, अभिप्रेरणा है। जैसे आपके अंदर आवश्यकता उत्पन्न हुई अब आप क्या करेंगे? लक्ष्य या उद्देश्य बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या आएगा? लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य उद्देश्य के बारे में जानते हैं थोड़ा सा? लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, बता सकते हैं लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक विस्तृत अर्थ में है और उद्देश्य उसका एक भाग है। आप में से कितने लोगों ने लक्ष्य बना रखा है? बना रखा किसी ने? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य व्यापक आयाम है। मैं स्कूल व्याख्याता बनना चाहता हूं, यह आपका लक्ष्य है। लक्ष्य हमेशा होना क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग, जो भी 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, 20 लाख लोग तैयारी करते हैं, 4 लाख लोग तैयारी करते हैं, वो सब लक्ष्य बना के चलते हैं कि मेरा लक्ष्य स्कूल व्याख्याता बनना है, मुझे रिट में थर्ड ग्रेड टीचर बनना है। यह आपका लक्ष्य हो गया। क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने लक्ष्य क्या बनाया? छोटा सा बनाया। हमेशा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यदि आप साइकिल के बारे में सोचोगे जिंदगी भर पैदल चलोगे, आप मोटरसाइकिल के बारे में सोचोगे आपको साइकिल मिलेगी, आप गाड़ी के बारे में सोचोगे आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। जितना बिग ड्रीम आपका होगा आपके अंदर से एस्पायरेशन उतना ही बड़ा आएगा। इसलिए लक्ष्य हमेशा क्या बनाएं? बड़ा बनाएं कि मुझे टॉप 10 में आना है। केवल स्कूल व्याख्याता नहीं बनना है, केवल रिट में सफल नहीं होना है, मुझे टॉप 10 में आना है। यदि लक्ष्य आपने टॉप 10 का बना लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या निर्धारित होगी, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे। तो लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या बनाएंगे? उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य क्या? लक्ष्य का छोटा भाग। मेरा लक्ष्य है मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, टॉप 10 में आना है। अब मैं क्या बनाऊंगा? उद्देश्य बनाऊंगा। उद्देश्य क्या होते हैं? मैं जैसे ही सुबह उठा मैंने निर्धारित कर लिया कि मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं, चाहे वो रिट की बात कर लें चाहे फैसकट की बात कर लें, ठीक है। अब 30 प्रश्न आ रहे हैं, मुझे मनोविज्ञान में 30 में से 30 हासिल करना है, ये मेरा उद्देश्य है। मुझे करंट के 12% मेरे सही होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। छोटे छोटे उद्देश्य आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। उद्देश्य क्या होंगे? मैं सुबह उठूंगा और उठते ही कागज लूंगा और कागज लेने के बाद अपने स्टडी रूम में चिपका दूंगा। आज के मेरे टॉपिक ये होंगे कि आज मैं अधिगम के सोपान समझूंगा, अधिगम की प्रकृति समझूंगा। करंट में मैं आज राजस्थान की कोई भी जो नवीनतम घटनाएं हुई एक महीने में वो पढ़ूंगा। राजस्थान के इतिहास में महाणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ूंगा। सब्जेक्ट में मैं 11th और 12th की किताबों के 2 पार्ट में तैयार करूंगा। ये आपने एक छोटे से कागज पे लिख लिए और ये कागज आपने स्टडी रूम के टेबल पे या स्टडी रूम में चिपका दिया। जिस दिन आप शाम को जैसे ही सोएंगे आपको देखेंगे कि मैंने जो उद्देश्य आज निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। यदि उद्देश्य आपको प्राप्त हो गए तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन आप इससे बड़े उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर उससे बड़े उद्देश्य निर्धारित करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो लक्ष्य एक व्यापक आयाम है, उद्देश्य उसका एक छोटा सा भाग है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? छोटे छोटे उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ, उसके बाद क्या बनाया? लक्ष्य। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। जब भी ये क्रमबद्ध वाला प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि सबसे पहले हम लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कब बनेगा? जब आपके अंदर आवश्यकता उत्पन्न होगी। लक्ष्य उद्देश्य आपने बना लिया, अब आपके सामने क्या आएगा? 3 नंबर पे
बाधा ऑब्लिक तत्परता। यहाँ किताबों में बहुत कन्फ्यूज मिलता है, कुछ किताबों में बाधा मिलेगा, कुछ में तत्परता मिलेगा, दोनों एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में समझा रहा हूँ मैं आपको। इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है कि बाधा है कि नहीं है। बाधा शब्द क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव शब्द लग रहा है, ठीक है। तत्परता, बाधा जैसे ही आएगी उसको दूर करने के लिए आप क्या हो जाएंगे, तत्पर। तो तीसरे स्टेप में दो चीज़ें हैं, ऑब्लिक में दिमाग में रखना है, बाधा ऑब्लिक तत्परता। बाधाएं नेगेटिव शब्द है। क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए एकदम सीधी, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, कैसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी आपने देखा कि जब आदमी आईसीयू में भर्ती होता है, उस समय आईसीयू में कंप्यूटर में जो एक लाइव स्क्रीन चलती है, उसमें जो लाइन चलती है वो कैसे चलती है, क्यों चलती है? कभी आपने नोट किया ऐसा क्यों होता है? वो लाइन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वास्तविकता को व्यक्त करती है कि ज़िंदगी कभी यूँ नहीं हो सकती थी, लाइन वो ऐसी होगी, इसका मतलब क्या है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। ज़िंदगी में यदि बाधाएँ नहीं आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ज़िंदगी यूँ है, उतार चढ़ाव, ये बाधाएँ आती जाएगी तब तक आप जिंदा हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने जैसे लक्ष्य बनाया आपके सामने बाधाएँ आएंगी। आपका कभी शरीर साथ नहीं दे रहा, घर वाले साथ नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग आपको डिमोलाइज कर रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि मेरा भाग्य खराब है, ये सब बैरियर्स हैं। इन बाधाओं से आपको घबराना नहीं है, आपको क्या होना है, तैयार होना है कि मुझे सीखना है मैं सीखूंगा, मुझे बनना है मैं बनूंगा। तो बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको क्या रहना है, तत्पर रहना है कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है, मुझे रिट में टॉप करना है, मैं डेफिनेटली करूंगा। तो पहला आवश्यकता, उसके बाद लक्ष्य उद्देश्य है, उसके बाद में क्या आया, बाधाएं ऑब्लिक तत्परता। अब बाधाओं के बाद में क्या आएगा, अधिगम स्थिति। चौथा बिंदु क्या आता है, अधिगम स्थिति, लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन क्या होता है बता सकते हैं, किसको बोलते हैं अधिगम स्थिति? अधिगम स्थिति एनवायरनमेंट है, वातावरण है। वातावरण सबसे बड़ा कारक होता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? आप जहाँ बैठे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ का वातावरण क्या है, ये अधिगम प्रोसेस को प्रभावित करता है। आपका कमरा बड़ा साफ है, स्वच्छ है, आपके साथ वाला बच्चा पढ़ रहा है, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे मुझे पढ़ना है। आपका रूम बड़ा गंदगी भरा पड़ा है, आपका रूम में साथ जो आपका क्लासमेट है वो सो रहा है, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जो आपको प्रेरित करे। उस रूम में स्वामी विवेकानंद की फोटो हो, एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो हो, ये लिखा हो आई कैन डू इट, नोथिंग इज इम्पॉसिबल, मुझे 100% स्कूल लेक्चर बनना है, आई डोंट क्यूट, मैं कभी हार नहीं सकता। यदि ऐसा इन्वायरमेंट आपने अपने स्टडी रूम को बना दिया, तो उस रूम का जर्रा जर्रा आपको ये बोलेगा तुझे बनना है, तुझे करना है। ये अधिगम स्थिति है। तो ये हमारे पे निर्भर करता है कि हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, हमारे कक्षा का रूम का जो वातावरण है वो कैसा है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो अधिगम आगे बढ़ जाएगा, और यदि नेगेटिव होगा तो अधिगम आगे नहीं बढ़ेगा। तो चार नंबर पे क्या आएगा, अधिगम स्थिति। अब अधिगम स्थिति चार नंबर पे आ गया। अब पांच नंबर पे क्या आएगा, अनुक्रिय। पांच नंबर पे क्या आएगा, अनुक्रिय। अनुक्रिय क्या होता है, रिएक्शन। रिएक्शन किसको बोलेंगे, आवश्यकता आपके अंदर उत्पन्न हुई, आवश्यकता के बाद में आपने क्या बनाया, लक्ष्य उद्देश्य बनाया, उसके सामने क्या आई, बाधाएं, बाधाओं को दूर करने के लिए क्या हो गए, तत्पर हो गए। उसके बाद क्या आएगा, लर्निंग सिचुएशन, अधिगम वातावरण प्रभावित करेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अनुक्रिया। जैसे ही आप इस वातावरण में आके बैठे, आपको थोड़ा अजीब सा लगा, ठीक है ना, आप इसके प्रति एडजस्ट होने के लिए क्या करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे। अनुक्रिया का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सुन रहे हैं क्या है, अनुक्रिया है। आप समझ रहे हैं क्या है, अनुक्रिया है। आप लिख रहे हैं क्या है, अनुक्रिया है। आप उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने के लिए जो भी व्यवहार करेंगे वो व्यवहार क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। अब अनुक्रिया के बाद में क्या आता है, समायोजन। क्या आएगा, समायोजन। समायोजन किसको बोलते हैं अपन, सम प्लस आयोजन। सम का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से, और आयोजन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना। जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, समायोजन। आपने उस वातावरण के प्रति अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद अपने आप को आपने क्या बना लिया, समायोजित कर लिया। अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है इस रूम में, आपको आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना, आपका पूरा ध्यान स्टडी पे है, पूरा अटेंशन यहाँ केंद्रित है। ये अटेंशन केंद्रित होना ही एक प्रकार से कौन सी घटना है, समायोजन। यदि आप ये नहीं कर पाए तो
तो आपका लर्निंग आगे नहीं बढ़ेगा। तो समायोजन के साथ क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे ही 6 नंबर पे आपने समायोजन किया, 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। क्या आ गया, व्यवहार में परिवर्तन। समायोजन होते ही हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन। परिवर्तन कौन सा, वांछित परिवर्तन। मैं जो चाहता था वो परिवर्तन मेरे व्यवहार में आ गया, इसका मतलब लर्निंग हो गया। मान लीजिए आपको अधिगम के 8 सोपान है, यहाँ से 7 प्रश्न अब तक आए हैं, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, कैसे प्रश्न आते हैं क्या नहीं आते हैं, यदि आपके समझ में आ गया तो आपका व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आज मैंने 20 मिनट में 10 मिनट में एक बिंदु समझा अधिगम के सोपान, और मुझे एकदम से समझ में आ गया कि यहाँ से अब तक कैसे प्रश्न आए हुए हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इसको अपन बोलेंगे व्यवहार में परिवर्तन। क्या व्यवहार में परिवर्तन के साथ अधिगम समाप्त हो जाएगा, नहीं। आठवां स्टेप क्या आएगा, स्थायीकरण। आठवां स्टेप क्या आएगा, स्थायीकरण। ये भी एंटिटी एग्जाम में भी जस्ट प्रश्न आया है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, लेकिन व्यवहार में कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। जो आपने सीखा, यदि आप उसे भूल नहीं पाएंगे, इसका मतलब वास्तविक अधिगम हुआ है, और आप इसे कल ही भूल गए, इसका मतलब आपने लर्निंग नहीं किया। तो अधिगम का मतलब क्या है, प्रारंभ कहां से हुआ, आवश्यकता से। उसके बाद आपने क्या बनाया, लक्ष्य। लक्ष्य क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, बाधाएं आएंगी, बाधाओं को दूर करने के लिए क्या होंगे, तत्पर। उसके बाद क्या आएगा, अधिगम स्थिति यानी इन्वायरमेंट प्रभावित करेगा। उसके बाद में क्या आएगी, अनुक्रिया, रिएक्शन। अनुक्रिया के बाद में क्या आएगा, समायोजन। समायोजन के बाद में क्या आएगा, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन के बाद में क्या आएगा, स्थायीकरण। ये 8 स्टेप अधिगम के सोपान होते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वाले बिंदु को पढ़ेंगे। धन्यवाद।